बट साहब एक ज़माना था कि नून लीग के बारे में कहा जाता था कि जो भी उनकी हेयरिंग फ्राइडे को होती है ना वो नून लीग के अगेंस्ट ना डिसीजन आ जाता है। इसी तरीके से हमने देखा है कि लास्ट फ्राइडे को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है जी जी। और अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच जो है ना वो हार गए जी। आज फिर फ्राइडे है जी। आज फिर एक बड़ा मैच है। देखिए आपके लिए लास्ट चांस है वर्ल्ड कप का, फिर उसके बाद चार साल बाद आना है। क्या होता है क्या बनता है मैंने कुछ कह सकता, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अपनी जान लड़ा देंगे, हमारे लिए चैलेंज है तो हम हर हाल में जीतना है। लेकिन इन्होंने कुछ रिप्लेसमेंटें करनी है और करनी चाहिए इनको। मसलन आज सुना है कोई इब्रार को डाल रहे हैं, कुछ अपना वो जो ओपनर फर्क जमान को डाल रहे हैं, और डालना ही चाहिए इनको। अगर पाकिस्तान जीते मेरा ख्याल है कि जीतना चाहिए, उसके बाद आप आउट हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका की जो टीम है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ना चोकर है ठीक है, और जब इम्पोर्टेंट फेज आता है ना तो ये हार जाते हैं। हाँ सेमीफाइनल में हमेशा हुआ है, हमने बहुत देर देखा जब भी सेमीफाइनल गई है क्रॉस हुआ है साउथ अफ्रीका हार गया। लेकिन इस वक्त जो उनका एवरेज आ रही है स्कोर एवरेज वो 300 से प्लस है। आपके ख्याल में कौन सी चार टीम्स हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी? वो तो अभी आपके सामने नजर आ रहा है, एक तो इंडिया है, एक आपका न्यूजीलैंड आ गई, तीसरी आपके तो ऑस्ट्रेलिया भी 100% नजर आ रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेला ऐसे लग रहा है कि खड़ी होगी दोबारा ठीक है, और चौथी पे साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान के कोई प्लेयर जो इसमें दोनों में। फाइनल कौन विन करेगा? फाइनल तो इंडिया ही करेगा मेरे, इंडिया करेगा 100% इंडिया करेगा 100% जी। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान आप मुझे बताओ कि आज किसको विन करवा रहे हो? आई थिंक हम तो पाकिस्तान के साथ ही हैं, लगता तो है पाकिस्तान जीतेगी, लगता ही है क्रिकेट डू एंड डाई है, कुछ भी हो सकता है। जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, जो अच्छा खेलेगा वो जरूर जीतेगा, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और अच्छा जीतेगा। सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम्स देख रहे हो? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, दो टीमें तो देखो जो प्रिडिक्शन होती है ना वो तो एडवांस में होती है। देखिए जो हम तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, जो ग्राउंड में उतरते हैं जो खेलते हैं उनको ज्यादा पता होता है, हमारी तरह से वो मेहनत करते हैं। अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, अभी तक तो कोई प्रिडिक्शन नहीं, दो टीमें नजर आ रही है, बताया जो अच्छा खेलेगा तो जरूर पहुंचेगा सेमीफाइनल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोएब नवाज है। शोएब आप खुद भी एक बॉलर हो, मुझे बताओ कि आज किसको जितवा रहे हो? आज इंशाल्लाह दुआ पाकिस्तान के साथ है और उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हमारा टॉप फोर में जाना बहुत आसान है, हम एक मैच भी हारते हैं तो हमारी ये स्ट्रेटेजी मतलब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। अच्छा आपके ख्याल में सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम्स होंगी? तीन तो आपके सामने ऑलमोस्ट कंफर्म है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, और चौथी इंशाल्लाह मैं तो पाकिस्तान को रेट करूंगा। ओके और फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल इंडिया फेवरेट है, क्योंकि पिछले 3-4 वर्ल्ड कप हुए हैं वही टीम जीत रही है, जो कंडीशंस वो विकेट अपने मुताबिक बनाते हैं हर मुल्क, तो उस चीज़ का फायदा उठाई जा रही है। आपके क्या नाम है? मेरा नाम मकसूम अली है। ठीक है तो आप बताओ आप किसको जितवा रहे हो? मैं इंशाल्लाह आज पाकिस्तान से उम्मीदें हैं तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सेमीफाइनल में कौन सी चार टीम्स देख रहे हो? सेमीफाइनल में जो टॉप टू पहले चल रही हैं उन पे तो उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी, अगर हारती है तो फिर हमारा चांस नहीं बनेगा। ठीक है तो अगर जीतती है तो इंशाल्लाह हम टॉप फोर में जरूर आएंगे। और फाइनल कौन विन करेगा? फाइनल आई थिंक अभी तो फिलहाल जो देखा जा रहा है वो तो इंडिया टॉप पे चल रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका ही नज़र आ रही है, क्योंकि अच्छा स्कोर इनका टारगेट अच्छा जा रहा है, इनका रन रेट अच्छा जा रहा है, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है।